अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या से संबंधित विवाद को सुलझा दिया था, सदियों पुराना एक मुद्दा हल कर दिया था। अब निगाहें मथुरा और काशी पर है, जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और दोनों ही जगह के मामले अलग अलग अदालतों में पहुंच चुके हैं। मथुरा की बात करें तो मामला 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वहीं काशी मामले पर सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इन विवादों का हल कितनी जल्दी निकलता है, क्या निकलता है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे, क्या है ये पूरा विवाद, किस तरीके से याचिकाएं दायर की गई हैं, किन किन ने दायर की हैं, इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने रक्षा साजो सामान से हमारी तीनों सेनाओं को बिल्कुल सुसज्जित करने का एक जो अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत 2290 करोड़ रुपए की एक और खरीद ऑर्डर को मंजूरी दी गई है और बताएंगे आपको कि हमारी तीनों सेनाओं को क्या क्या हथियार नए मिलने जा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अब देखिए कि सरकार से इतने परेशान हो गए हैं कि उनका ये कहना है कि मेरी जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं, मुझे व्हाट्सएप कॉल करनी पड़ रही है ताकि वो राज्य सरकार की निगरानी से वो बच सके। इसके अलावा राज्यपाल ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम बंगाल में संविधान का उल्लंघन किया गया तो अनुच्छेद 154 का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है ये अनुच्छेद 154, क्या और शिकायतें हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, आज की इस रिपोर्ट में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मथुरा और काशी की। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की अदालत में शुक्रवार को दाखिल किए गए श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित मामले की सुनवाई अब बुधवार 30 सितंबर को की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को मामला दाखिल किए जाने के बाद शनिवार से मंदिर ईदगाह परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अदालत में भी आज भारी पुलिस तैनात रही। गौरतलब है कि लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और 5 अन्य ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बताते हुए उनकी ओर से सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में वाद दायर किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने मंदिर के परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति के साथ जो समझौता किया था वह कानूनी रूप से गैरवाजिब है, क्योंकि सेवा संस्थान जब उक्त 13.37 एकड़ भूमि का मालिक ही नहीं था तो उसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था के साथ इस प्रकार का कोई भी करार करने का अधिकार नहीं था। यह समझौता अदालत द्वारा 20 जुलाई 1973 को डिक्री किया गया था। वादियों द्वारा याचिका में इस करार को निरस्त करते हुए शाही ईदगाह वाली भूमि को मुक्त कराने और इसे विराजमान ठाकुर श्री कृष्ण को सौंपने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में शाही ईदगाह ट्रस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट व श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की ओर से बताया गया कि इस मामले में आज ही सुनवाई होनी थी, परंतु वादियों के अदालत में समय पर उपस्थित नहीं हो पाने के कारण अब सितंबर 30 को इस पर सुनवाई होगी। इस बीच श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मामला दायर होने के बाद ही जिला प्रशासन ने अदालत परिसर सहित श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की भी सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। मथुरा के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा आरके मिश्रा ने मीडिया को बताया, हमने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद कर दिया है। विशेष तौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर कमांडोज के साथ डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की सुरक्षा में पूरी सतर्कता बरती जा रही है और वहां आने वाले सभी दर्शनार्थियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हुई, जिसे विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती दी गई थी। याचिका में मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी। भगवान काशी विश्वनाथ के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए। जिला जज ने सोमवार की बहस के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। रस्तोगी ने बताया कि परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण कराने की अपील भी की गई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई है। रस्तोगी ने बताया कि 1991 में ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ
के पक्षकार पंडित सोमनाथ ने मुकदमा दायर किया था, जिसमें मांग की गई थी कि मस्जिद विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है और यहां हिंदू आस्थावानों को दर्शन पूजा पाठ के साथ ही मरम्मत का भी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विवादित परिसर में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। इस पूरे मामले में भगवान काशी विश्वनाथ वादी के तौर पर और प्रतिवादी के तौर पर अंजुमन इंतजामिया प्रथम पक्ष, वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वितीय पक्ष हैं। उधर रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 2290 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से करीब 72,000 सिक्सॉर असाल्ट राइफलों की खरीद शामिल है। रक्षा खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि DAC ने जिन उपकरणों और हथियारों को खरीद की मंजूरी दी है, उनमें राइफलों के अलावा वायुसेना और नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपये में एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW प्रणाली शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली DAC ने 2290 करोड़ रुपए में अनेक हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए सिक्स और राइफलों की खरीद 780 करोड़ रुपए में की जाएगी। सेना अपने जवानों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़े कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसके तहत बड़ी संख्या में हल्की मशीन गन, बैटल कार्बाइन और असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। ये सेना के पुराने और अप्रचलित हो चुके हथियारों की जगह लेंगी। सेना ने अक्टूबर 2017 में करीब 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। दुनिया के सबसे बड़ी थल सेना पाकिस्तान और चीन से लगी देश की सीमाओं पर पैदा होती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार करते हुए अनेक शस्त्र प्रणालियों की खरीद की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि DAC ने भारत निर्मित खरीद श्रेणी में 540 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रेटेजिक HF ट्रांस रिसीवर सेट की खरीद के लिए भी मंजूरी दी। HF रेडियो सेट थल सेना तथा वायुसेना की जमीनी इकाइयों के बीच निर्बाध संचार में मददगार होंगे। सैन्य साजो सामान की खरीद ऐसे वक्त की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के हालात बने हुए हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को पुलिस शासित राज्य में बदल दिया है और सत्ता द्वारा उनके पद की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित होंगे और वह प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। धनखड़ ने अपने पत्र का जवाब देने में गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करने पर पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र की आलोचना की और कहा कि पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर संविधान की रक्षा नहीं हुई तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यपाल के पद की लंबे समय से अनदेखी की गई है, मुझे संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की वजह से उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने को मजबूर होना पड़ रहा है। धनखड़ ने कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस शासित राज्य बन गया है। पुलिस शासित राज्य लोकतंत्र का पहला शत्रु है। पुलिस का शासन और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस संविधान से इतर प्राधिकारों की दास बन गई है। राज्यपाल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। माओवादी उग्रवाद अपने सिर उठा रहा है। इस राज्य से आतंकी मॉड्यूल भी गतिविधियां चला रहे हैं। धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कामकाज संभाला था और तब से ही उनका तृणमूल कांग्रेस सरकार से गतिरोध सामने आता रहा है। उन्होंने DGP वीरेंद्र को इस महीने की शुरुआत में पत्र लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। DGP के एक पंक्ति के जवाब में राज्यपाल ने उन्हें 26 सितंबर को उनसे मिलने को कहा। DGP ने अपने जवाब में कहा, पुलिस कानून द्वारा निर्धारित रास्ते पर चलती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 सितंबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि वह संविधान में निर्देशित कार्यक्षेत्र में रहते हुए काम करें। बनर्जी ने DGP को लिखे उनके पत्र पर पीड़ा भी जताई थी। धनखड़ ने कहा कि वह शासन के मामलों में पक्षकार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह गलत धारणा है कि राज्यपाल का पद केवल डाकघर या रबर स्टॉम्प है। पिछले साल कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की CBI की कोशिश के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा यहां धरना दिए जाने का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा, जिन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए उन्हें बचाना लोकतांत्रिक शासन के अंत का सूचक है। पहले यह भौतिक तरीके से किया गया, अब पत्र के माध्यम से किया गया है। बनर्जी को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराने वाले धनखड़ ने पूछा, अगर राज्यपाल चाहते हैं कि DGP राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध, विपक्ष के निर्मम दमन, सिंडिकेटों द्वारा अत्यधिक जबरन वसूली और लगातार बम फेंके जाने की घटनाओं के मद्देनजर
कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर विस्तार से बताएं तो इसमें क्या गलत है? राज्यपाल ने कहा कि डीजीपी को लिखे पत्र में उन्होंने घुसपैठियों को हटाकर सत्ता के गलियारों की सफाई की वकालत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ के अनुसार काम नहीं कर रही और डीजीपी के बचाव में उनका आना इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार पुलिस की बैसाखियों पर चल रही है। धनखड़ ने यह दावा भी किया कि मुख्यमंत्री ने अनेक मुद्दों पर उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देकर संविधान के अनुच्छेद 167 का उल्लंघन किया है। उक्त अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अब कोरोना काल में अजब गजब नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। केरला के एक कोविड ट्रीटमेंट सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पर हॉल में जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनका इलाज चल रहा है। एक लड़की भी थी जिसकी की शादी होनी थी, अब शादी नियत समय पर ही हुई है और जो लड़की की तरफ से नाचने गाने वाले बने हैं वो सब थे कोरोना पेशेंट। आप देखिए कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना पेशेंट हैं वो अपना बैठी हुई हैं और शादी की रस्मों को पूरा कर रही हैं और जो उनके वहाँ पर जितने भी मरीज हैं वो सारे के सारे नाच रहे हैं। जो उनका दूल्हा है वो मस्जिद में बैठा हुआ है, रस्में पूरी कर रहा है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल से शादी की रस्में पूरी हुई हैं और सब लोग खुश हैं। लड़की भी खुश है कि शादी जो समय पर होनी थी उसी समय पर हुई है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ है। और जो वहाँ पर बेचारे मानसिक तौर पर भी परेशान होंगे जो कोरोना पेशेंट थे उनको भी नाचने गाने का एक अवसर मिल गया। तो कोरोना के काल में अजब गजब नज़ारे हैं, उनमें एक नज़ारा ये भी है।